Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with गौरी मैम। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस करना शुरू किया है जेनेटिक मॉडल कंपैटिबल विद इम्यूनोग्लोबुलिन स्ट्रक्चर। उसमें देखो हमने सोमैटिक वेरिएशन थ्योरी और जर्म लाइन थ्योरी के बारे में बात की थी, ठीक है। तो आज के वीडियो में इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे देख रहे हैं कि कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए और क्या क्या कंक्लूजन्स पाए गए। ड्रायर और बनेट ने 2 जीन मॉडल प्रपोज किया था। उनके हिसाब से इम्यूनोग्लोबुलिन जब फॉर्म होता है तब एट जेनेटिक लेवल देर आर 2 सेपरेट जीन्स, 2 जीन होते हैं जेनेटिक लेवल पर और वो इनकोड करते हैं सिंगल इम्यूनोग्लोबुलिन हैवी और लाइट जीन को, ओके। जैसे कि देखो 1 जीन फॉर वेरिएबल रीजन एंड 1 जीन फॉर कांस्टेंट रीजन, और ये समहाउ साथ में आ जाते हैं, कम टुगेदर एंड इट फॉर्म्स द कंटिन्यूअस मैसेज व्हिच विल गेट ट्रांसक्राइब्ड, गेट ट्रांसलेटेड एंड विल फॉर्म अ सिंगल इम्यूनोग्लोबुलिन हैवी एंड लाइट जीन, ठीक है, समझ रहे हो। किसी तरह से ये वेरिएबल रीजन का जीन और कांस्टेंट रीजन का जीन साथ में आ जाते हैं एट द डीएनए लेवल और वो सिंगल इम्यूनोग्लोबुलिन इन्हें मिला के फॉर्म कर लेते हैं। जर्म लाइन में 100 से 1000 तक वेरिएबल रीजन के लिए जीन्स रखे गए हैं और सिंगल कॉपी ऑफ कांस्टेंट रीजन क्लास एंड सब क्लास जीन रखा हुआ है, ऐसा ड्रायर एंड बनेट का कहना था, ठीक है। आगे क्या हुआ, इन 1976 टोनेगावा एंड होजुमी ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने कहा कि सेपरेट जीन एनकोड द वेरिएबल एंड कांस्टेंट रीजन्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन एंड जीन्स आर रीअरेंज्ड इन द कोर्स ऑफ बी सेल डिफरेंशिएशन। इनका भी कहना है कि हाँ वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन के लिए सेपरेट जीन्स है और वो रिकॉम्बिनेशन होता है, रीअरेंज होते हैं ड्यूरिंग द बी सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है। इन्होंने ये प्रूफ करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया, देखो इन्होंने लिया एम्ब्रियोनिक सेल से डीएनए और एडल्ट माइलोमा सेल से डीएनए लिया गया। माइलोमा सेल मतलब एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल्स जो कैंसरस बन जाती है, वहाँ से डीएनए लिया गया और एम्ब्रियोनिक सेल से डीएनए लिया गया। दोनों डीएनए को ट्रीट किया गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से टू जनरेट द डीएनए फ्रैगमेंट्स। इलेक्ट्रोफोरेसिस से इन्होंने फ्रैगमेंट सेपरेट किए और उनको रेडियो लेबल्ड एमआरएनए प्रोब के साथ हाइब्रिडाइज करके देखा, ठीक है। तो यहाँ देखो ये इमेज मैंने ली है इम्यूनोलॉजी बाय क्यूबे 5th एडिशन इस बुक से। यहाँ पर देखो जर्म लाइन डीएनए दिखाया गया है और रीअरेंज्ड डीएनए दिखाया गया है। जो एक्सपेरिमेंट में लिया गया था वो जर्म लाइन डीएनए इस तरह का रहा होगा और जो रीअरेंज मतलब माइलोमा सेल में जो रहा होगा वो रीअरेंज्ड रहा होगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो देखो यहाँ पर प्रोब ऐड किया गया और रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करके अगर यहाँ इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद देखा गया तो इसका बैंड हमें यहाँ दिखाई देता है क्योंकि ये स्मॉल छोटा सा फ्रैगमेंट हो जाएगा, समझ रहे हो। और रीअरेंज डीएनए में भी प्रोब जब ऐड किया गया तब ये पूरा रीअरेंज हुआ है और फिर ये पूरे फ्रैगमेंट के साथ ये प्रोब ऐड हो जाएगा एंड इट विल शो अस बैंड समवेयर हियर, ठीक है। तो आजकल ये सदर्न ब्लॉट एनालिसिस टेक्निक से इजी हो गया है ये फाइंड आउट करना, ओके। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया था टोनेगावा ने। उनका ऑब्जर्वेशन देखो क्या रहा कि 2 सेपरेट रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट फ्रॉम एम्ब्रियोनिक डीएनए हाइब्रिडाइज विद एमआरएनए और सिंगल रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट ऑफ एडल्ट माइलोमा डीएनए हाइब्रिडाइज विद द सेम प्रोब, क्योंकि वो रीअरेंज हो चुका है अभी तो एक ही प्रोब उसके साथ हाइब्रिडाइज हुआ,
समझ रहे हो? सो व्हाट वाज़ द कंक्लूजन? ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन ऑफ लिम्फोसाइट्स फ्रॉम एम्ब्रियोनिक स्टेट टू द फुल्ली डिफरेंशिएटेड प्लाज्मा सेल स्टेट, वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट जीन्स अंडरगो रीअरेंजमेंट. During differentiation, the variable and constant genes are brought closer together and the intervening DNA sequence is eliminated. ठीक है, समझ रहे हो? तो इस तरह से दो जगह से variable और constant region genes आते हैं and it get rearranged and it will lead to the formation of active immunoglobulin protein. समझ रहे हो? तो इस तरह से ये दो जीन होंगे और वहाँ से इम्यूनोग्लोबुलिन बनता होगा, ये इन्होंने प्रूव करने की कोशिश की. आज का वीडियो मैं यही ख़त्म कर रही हूँ. अगले वीडियो में हम इसके आगे की स्टोरी देखेंगे. सो टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो टू हिट द बेल आइकॉन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.